सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया हाई स्कोरिंग मुकाबले कई रिकॉर्ड से भरा रहा। सनराइजर्स की टीम ने आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही अपना रिकॉर्ड भी तोड़ कर रख दिया। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम उतारी तो उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करी। कैसे लगे इस मुकाबले में आसमानी छक्के और किस टीम ने मारी बाजी, आपको दिल दहला देने वाले पूरे रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन अगर आप भी पेट कमिंस को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बेंगलुरु की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दिखाई। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने वह बल्लेबाजी करी कि आरसीबी की टीम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 8 ओवर में 300 के आंकड़े को पार कर चुकी थी अभिषेक ने 22 गेंद में 34 रन बनाए, लेकिन ट्रेविस हेड ने सिर्फ 41 गेंद में 102 रन की पारी खेल दी। उन्होंने अपनी सुपारी में 9 चौके और 8 छक्के भी लगाए तो क्लासेन ने भी 31 गेंद में 67 रन लगा दिए। टीम इतनी मजबूत थी कि लगभग 15 ओवर में 200 का आंकड़ा पार हो चुका था। माकरम 17 केंद्र में 32 रन बनाकर नाबाद रहे तो अंतिम चरण में अब्दुल समद ने 10 गेंद में 37 रन ठोक दिए, जिसके चलते सनराइजर्स की टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी कि 20 ओवर में 287 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। बेंगलुरु की टीम ऐसा लग रहा था कि एक तरफ घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। लक्ष्य का पीछा करना उतरे विराट कोहली और डुप्लेसिस की जोड़ी ने शानदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। दोनों ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट खेले। 4 ओवर में टीम 57 रन लग चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली 20 गेंद में 42 रन बनाकर मार्कंडे की गेंद पर बोल्ड हो गए तो विल जैक सिर्फ 7 रन बनाकर रन आउट हुए। उसके बाद तो विकेट का सिलसिला चलता ही रहा। पाटीदार जो रन बनाकर आउट हुए तो सौरभ चौहान पहले ही गेंद पर आउट हो गई। कप्तान सास डुप्लेसिस ने 28 गेंद में 62 रन की पारी खेली। 122 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे और 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए दिनेश कार्तिक ने अपना फिनिशर अंदाज दिखाया और सभी गेंदबाजों पर आसमानी छक्के ठोक दिए। स्थिति ऐसी थी कि लगभग 16 ओवर में टीम 200 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। सिर्फ 20 गेंद में 44 पर बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक कर रहे थे। कार्तिक की बल्लेबाजी ने अंत में भी खूब आसमानी छक्के ठोके, लेकिन बावजूद उसके टीम तो नहीं जीती, लेकिन दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी ने करोड़ों भारतीयों को अपना मुरीद बना लिया। वैसे आप सभी से रोमांचक मुकाबले को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।